दुल्ला बग्गा पिंड वाला कबड्डी खेडदा इको हीरा है जेहड़ा हीरे वांग ही कोले दी खान विचों निकलिया है। एक आटो ड्राइवर दा मुंडा दुल्ला जो कदे आत दी गरीबी नाल लड़दा सी अज डालरां विच खेडदा है। दुल्ला जिन्ना चंगा खिडारी है इस तो किते वधिया इंसान है। दुल्ले नू इंटरनेशनल लेवल दा खिडारी बनाउण विच उसदे उस्ताद पम्मा गांदरा वाला दा बहुत वड्डा योगदान है। दुल्ले ने दस्या कि एक टाइम अजिहा सी जिस वक्त जेकर उसदा उस्ताद उस नाल ना खड़दा तां दुल्ला शायद कबड्डी खेडनी ही छड्ड दिंदा। कबड्डी दे इतिहास विच जो प्यार ते इज्जत दुल्ले ने अपने उस्ताद नू दित्ती है शायद ही कोई खिडारी अजिहा कर सके। दुल्ला सैकड़े ही कबड्डी कप्पां दा बेस्ट रहा पर अपने उस्ताद तो बिना दुल्ले बग्गे पिंड वाले ने किसी भी इनाम नू नहीं फड़िया। दुल्ला इज्जत मान नाल अपने उस्ताद नू ग्राउंड विच लेके आउंदा अते फिर इनाम फड़दा। दुल्ला दे उस्ताद पम्मा बेशक अज इस दुनिया ते नहीं है पर दुल्ला अज भी टीम विचों अपने उस्ताद दा हिस्सा रखदा है। पम्मे दे जान तो बाद भी दुल्ले ने जो उसदे परिवार नू आर्थिक पक्षों सपोर्ट दित्ती है वह वाकई ही काबले तारीफ है। दुल्ले नू जिन्ना लोकां द्वारा उसकी खेड लई पसंद कीता जांदा है उस तो ज्यादा उसकी इंसानियत लई दुल्ले नू सराहिया जांदा है। अज अपनी इस वीडियो विच आपां दुल्ला बग्गा पिंड वाले दी जिंदगी दी पूरी कहानी नू जानन दी कोशिश करांगे। माड़ा टाइम भी देखा माता जी बग्गे पिंड वाला दुल्ला दुनिया का महान कबड्डी खिलाड़ी मेरे वीरो। दुल्ला बग्गा पिंड दा जन्म 13 सितंबर 1992 नू जलंधर शहर दे एक निक्के जिहे पिंड बग्गा विच सरदार रेशम सिंह दे घर होया सी। घर विच अत दी गरीबी होण करके तंगियां ते मुसीबतां ने भी दुल्ले नाल ही जन्म लै लिया। पिता एक आटो ड्राइवर सी जिस दे सारा दिन मेहनत करन ते भी घर दा गुजारा बड़ी मुश्किल नाल चलदा सी। माता मनप्रीत कौर एक घरेलू औरत सी जिसने अपने आप नू घर दे हालातां दे हिसाब नाल टाल लिया सी। पुत्तर दा सपनान बेशक दुनिया विच अपनी धाक जमाउण दा सी पर घर दे हालात देख के हर कोई दुल्ले दे इस सपने नू सपना ही समझदा सी। दुल्ला बचपन तो ही तकड़े जुस्से दा सी। सिर्फ 13 साल दी उम्र विच उसने नैशनल स्टाइल कबड्डी विच खेडना शुरू कीता। दुल्ले दे शरीर विच कमाल दी चुस्ती फुर्ती सी। उसदी इस फुर्ती ने सब नू हैरान करके रख दिता। दुल्ले ने अंडर 14 मुकाबलियां विच नैशनल लेवल तक अपनी खेड दे जोर दिखाए। अगे चल के दुल्ला नैशनल स्टाइल विच ही अंडर 17 विच खेडन लगा। इस विच भी दुल्ला नैशनल लेवल तक खेडिया। 10वीं क्लास विच पढ़दे होए दुल्ला सर्कल स्टाइल कबड्डी भी खेडन लग्या। दुल्ले बग्गे पिंड वाले ने अपनी 12वीं दी पढ़ाई नंगल अंबिया दे सरकारी स्कूल तो कीती। 12वीं तक आउंदे आउंदे दुल्ला 60 किलो वजन दा टोप दा रेडर बन चुकिया सी। साल 2011 विच ही दुल्ले ने 75 किलो वजन विच खेडना शुरू कीता। अगले साल ही दुल्ला सीधा ओपन विच रेडा पाउण लग्या। ए समा उसी जदों दुल्ले दा अपने आस पास दे इलाके विच नाम चलन लग्या सी। दुल्ले दी चुस्ती फुर्ती अगे वड्डे वड्डे काफी फेल हो चुके सी। 2012 विच दुल्ला कई कबड्डी टूर्नामेंट विच बेहतरीन रेडर रहा। इसे साल ही दुल्ले ने 2 मोटरसाइकिल अते 2 नैनोकारां जीतियां। इस वक्त तक दुल्ला अपने उस्ताद पम्मा गांदरा वाला दा सब तो बेहतरीन खेडन वाला चेला बन चुकिया सी। पम्मा नू भी इस गल दा अंदाजा लग गया सी कि हुण दुल्ला रुकन वाला नहीं। पम्मा ने दुल्ले नू होर निखारन लई दुल्ले दी ट्रेनिंग ते होर जोर दिता। दुल्ला दिन विच 3 वार प्रैक्टिस करदा सी। इस समय पम्मा भी दुल्ले दे नाल रहिंदा। साल 2013 विच दुल्ला ने पहली वार इंग्लैंड दी धरती ते रेडा पाईयां। अगले साल ने कबड्डी वर्ल्ड कप लई ट्रायल दित्ते अते ओ सिलेक्ट हो गया। इस वर्ल्ड कप विच दुल्ला बेस्ट रेडर रहा जिस करके दुल्ले नू प्रीत ट्रैक्टर नाल सम्मानित कीता गया। इस वर्ल्ड कप तो बाद दुल्ला सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरी दुनिया विच छा गया। दुल्ले ने इंग्लैंड अमरीका कैनेडा वर्गे देशों विच अपनी खेड दे जोर दिखाए। जिस वक्त दुल्ला बग्गा पिंड दी गुड्डी सिखरां दे उत्ते सी कैनेडा कप ते खेडदे समय अचानक ही दुल्ला बग्गा पिंड दी लत ते गंभीर सट लग गई। सट इनी ज्यादा सी कि दुल्ला तो खेडना तां दूर दी गल तुरिया भी नहीं सी जा रहा।
इस समय दुला बग्गा पिंड दी मदद करन दी बजाए उसदे प्रमोटरां ने उस तो किनारा कर लिया। निराशा नाल भरिया होया ए टोप दा खिडारी अखीर वापस भारत परत आया। इत्थे आके दुला बग्गा पिंड ने अपना इलाज करवाना शुरू किया। दुला नू डाक्टरां दुबारा ग्राउंड तो दूर रहने की सलाह दिती गई। एओ वक्त सी जदो दुला बग्गा पिंड इनी ज्यादा मेहनत तो बाद एकदम ग्राउंड तो दूर हो गया। इस समय उसदे नाल सिर्फ उसदा उस्ताद पम्मा गांदरा वाला ही खड़िया। दुला बग्गा पिंड दे बिल्कुल ठीक हो जाण तो बाद पम्मा ने दुले नू दुबारा तो ग्राउंड नाल जोड़िया। हौली हौली ए चोटी दा खिडारी दुबारा तो उसे तरह ग्राउंड दे विच थापियां मारन लग गया। इस तो बाद दुबारा तो पिंड नंगल अंबिया दे टूरनामेंट उत्ते दुला बग्गा पिंड ते गोलियां चलाईयां गईयां। ए हमला किस दे द्वारा अते क्यों कीता गया सी इस दे बारे खुद दुला बग्गा पिंड नू भी अज तक नहीं पता लग्या। इस हमले विच दुला किस्मत नाल बाल बाल बच गया। इस विच कोई दो राय नहीं है कि दुला बग्गा पिंड अज कबड्डी दा एक सुपर स्टार खिडारी है। दुला नू इत्थों तक लैके आउण विच उसदे उस्ताद पम्मा दा बहुत वड्डा योगदान रहा है। किसे वक्त गरीबी नाल जूझदा ए खिडारी अज लखां दीआं गड्डियां नाल सन्मानित कीता जांदा है। फरवरी 2019 विच दुला बग्गा पिंड नू फोर अंडेवर गड्डी दे नाल सन्मानित कीता गया सी। दुला ने सैकड़े ही मैचा विच बेस्ट रेडर दा खिताब अपने नाम कीता है। दुला हुण तक लगभग 70 दे करीब मोटरसाइकिल जित चुकिया है। अगे चल के 16 जनवरी 2020 दुला बग्गा पिंड लई सब तो बुरा दिन सी। ए ओ दिन सी जदो दुला बग्गा पिंड दे उस्ताद पम्मा दी अचानक दिल दा दौरा पै जाण कारण मौत हो गई। पम्मा दुनिया विच कबड्डी दे सब तो बेहतरीन कोचा विचों एक मन्या जांदा सी। पम्मा गांदरा वाला नी दुला तो इलावा होर भी कई कबड्डी खिडारियां नू आशा तक पहुंचाया सी। पम्मा एक कबड्डी अकैडमी चलाउंदा सी जिस विचों नवे कबड्डी खिडारियां दी नर्सरी तैयार करदा सी। पम्मान दी मौत तो बाद दुला बग्गा पिंड वाले ने उसदे परिवार नू इकल्ला नहीं छड्डिया। दुला बग्गा पिंड आज भी अपनी जित्ती हुई इनामी राशि दे विचों अपने उस्ताद दा हिस्सा उसदे परिवार नू दिंदा है। सिर्फ इना ही नहीं दुला बग्गा पिंड दे प्रमोटर भी पम्मान दे परिवार नू उसदे हिस्से दी बनदी राशि पहुंचाउंदे ने। हालांकि हाल ही दे विच पम्मा गांदरा दी बेटी कनेडा चली गई है पर दुला बग्गा पिंड अज भी उना दे परिवार दे नाल खड़ा है। इस खिडारी दी यही गल इस नू दूजे कबड्डी खिडारियां तो खास बनाउंदी है। जिथे दुला बग्गा पिंड लखां लोकां दे दिलां विच अपनी खेड करके वसदा है उथे ही उसदी इंसान करके लखां लोग उसनू अपना आइडियल मनदे ने। कबड्डी दे इतिहास विच शायद ही कोई अजिहा नामवर खिडारी होवे जिसने अपने उस्ताद नू दुल्ले दी तरह अपनियां पलकां ते बिठा के रख्या होवे। तां दोस्तों ऐसी कहानी कबड्डी दे महान खिडारी दुला बग्गा पिंड वाले दी। असी उम्मीद करदे हां कि साडे द्वारा दित्ती गई जानकारी तुहानू जरूर पसंद आई होवेगी। अपना कीमती समा देण दे लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।